वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सी रेसिपी जिसका नाम है फ्यूजन गार्लिक पास्ता, जो कि एक स्लो कुक्ड रेसिपी है इंडो चाइनीज और इटालियन फ्लेवर्स के साथ। साथ ही डाला इसमें हमने ढेर सारा गार्लिक। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को। तो आइए नज़र डालते हैं इस पास्ता के इन्ग्रीडियंट्स की ओर। अब हम लेंगे एक सॉस पैन, उसमें डालेंगे तेल और गरम हो जाने के बाद डालेंगे बटर का क्यूब। फ्लेम को करेंगे लो ताकि बटर जले ना, और डालेंगे इसमें स्लाइस्ड मशरूम्स। अब डालेंगे इसमें आधी क्वांटिटी में गार्लिक चॉप्ड, क्योंकि आधी हम यूज़ करने वाले हैं ब्रोकली के लिए, और करेंगे इसको अच्छे से सौते। अब सीजन करेंगे इसको सॉल्ट और पेपर के साथ और ढककर के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब लेंगे हम एक दूसरा पैन और इसमें गरम करेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो जाने पर हम फ्लेम को करेंगे लो और ऐड करेंगे हमारे थिनली स्लाइस्ड गार्लिक। अब बारी है डालेंगे इसमें कैप्सिकम और प्याज के क्यूब्स, और करेंगे इसको प्रॉपरली सौते। तब तक हमारे मशरूम्स रेडी हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे एक बोल में, और उसी पैन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, बटर, और वो ही प्रोसेस हम ब्रोकली के लिए भी रिपीट करेंगे, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक और ऐड करेंगे हमारी ब्रोकली। सीजन करेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ब्रोकली पैन में चिपके ना। इसको भी ढक करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट। अब बारी आती है डालने की हमारे मेन पैन में हरी मिर्च और अब कैबेज। कैबेज डालने के बाद हम इसको करेंगे सीजन और हाई फ्लेम पे सौते करेंगे 1 या 2 मिनट के लिए। अब मेरा फेवरेट पार्ट जिसमें हम ऐड करेंगे इसमें सोय सॉस, और फ्लेम को हाई करके सौते करेंगे सारी वेजीज को। इस स्टेज पे हम डालेंगे ब्रोकली और आप तो जानते ही हैं, अब करेंगे मिक्स और स्टर। नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे इसमें टमाटर, और हर स्टेप की तरह इसको भी करेंगे सीजन और मिला लेंगे सारी की सारी वेजीज को अच्छे से हाई फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट तक स्टर करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पास्ता, और पास्ता को भी फिर से मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और फाइनली हम डालेंगे सौतेद मशरूम्स और सारी की सारी डिश को अच्छे से मिला लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, और 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हो चुका है हमारा पास्ता रेडी, अब करेंगे इसको सर्व। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को।